हेलो गाइस, नमस्कार। मैं तब्बू राजस्थानी, जम्मू राजस्थानी का पीड़ित पति। तो दोस्तों, आज मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही सही और सत्य बातें आपके सामने रखूंगा और आप बातें सुनके और बकायदा विद प्रूफ रखूंगा। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि एक दो दिन पहले मैंने एक लाइव किया था रात को 9 बजे, और उस लाइव के अंदर हमारे ममता जी बहन है जो बाड़मेर से ही है, तो वो लाइव में ऐड हुए थे। आप सभी ने लाइव देखा होगा। तो उस लाइव के अंदर लगभग 500-700 लोग प्लस लाइव चल रहा था और शानदार लाइव हुआ और लाइव वायरल भी हुआ और बहुत बढ़िया लाइव गया। तो उस लाइव की मिर्ची हमारी इस लवली को लग गई, मतलब लवली पत्नी को। तो भाई, क्या ये सही है या गलत है कि भाई लवली पत्नी को मिर्ची लगी और लवली पत्नी अपनी फौज लेके ममता जी के घर जा टपकी? दोस्तों, मुझे ये बताइए, क्या मैं किसी बहन बेटी से या किसी आदमी से या किसी भाई से लाइव पर या सीधी बात नहीं कर सकता हूं क्या? मैं जिससे भी बात करता हूं, और ये जो हमारी घमू राजधानी है, ये अपनी फौज लेके और उनके घर टपक जाती है और कहती है कि देखते कितनी दूर हो, आपने आगे से बात की तो मैं हाथ पैर तोड़ दूंगी, ऐसे कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी। तो भाई, आप जितने भी लोग बैठे हो तो प्लीज जरूर कर कमेंट करके बताना कि ये गलत कर रही है, ये गलत है या मैं गलत हूं। जब ये लाइव आती है या आपने वीडियो बनाती है और इंस्टाग्राम पर जाती है, तो मैं तो कभी नहीं कहता हूं भाई आप इसके साथ क्यों जुड़ रही हो। जब मैं किसी के साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लाइव आता हूं, तो ये अपनी फौज लिख के, जैसे इसका भाई कॉमेडियन गया था वो चित्र मम्मी वाले वायरल वीडियो पर फोकर भाई के साथ में, वैसे ही ये टपक जाती है। इसका मतलब बदमाश कौन हुआ और सही कौन है और गलत कौन है? आप क्यों नहीं क्लियरिटी कर रहे हो और आप क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हो? तो दोस्तों, मैं आज ये क्लियर कह देता हूं कि भाई मैंने जो लाइव किया, उस लाइव के अंदर आप जाके देख सकते हो, मेरा 1 घंटा लाइव चला है। उस लाइव के अंदर न तो ममता जी ने घमू के बारे में कुछ अपशब्द कहा है, न ही मैंने घमू के बारे में कुछ अपशब्द कहा है। पूरा का पूरा लाइव हम एंजॉय कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कमेंट पढ़ रहे थे, जो गलत आ रहे थे गलत पढ़ रहे थे, जो भी कमेंट आ रहे थे हम पढ़ रहे थे और उनको सही जवाब दे रहे थे। हमने लाइव के अंदर कोई गलत बात नहीं की है। पूरा लाइव आप मेरे तब्बू राजस्थान पर जाके लाइव देख सकते हो, ममता जी का और मेरा लाइव साथ में। तो उस लाइव पर घमूड़ी को मिर्ची लगी कि भाई ये महिला कौन है जो तब्बू के साथ में लाइव चल रही है और बातें कर रही है, जिसके प्रमाण मेरे पास, जो मैं आपको सामने स्क्रीनशॉट पर लगा रहा हूं, आप आराम से पढ़ सकते हो। और दोस्तों, मजे की बात कि इधर मैं लाइव आया और मेरा लाइव वायरल हो गया था, और वैसे लाइव में 500 प्लस लोग बैठे थे। तो घमूड़ी को भनक लगा कि भाई अब अपनी दुकान रेडी होने वाली है, और घमूड़ी को वैसे ही काफ़ी दिनों से व्यू डाउन हो गए थे। तो उसने एक नया ड्रामा सोचा। पहले तो ममता बहन के वहाँ अटैक किया, उनको पाबंद किया कि भाई आगे से आप लाइव में तब्बू राजस्थानी के साथ ऐड नहीं होगी। क्या ऐसे रोकने से इतनी पब्लिक के ऑल राजस्थान, ऑल बाड़मेर, ऑल इंडिया के अंदर किस किस के घर पे जाके? तो गाइस, मैं आज सारी बातें एक ही वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा कि इसने कितने ड्रामे किए। इसने लाइव देखा, पूरा पूरा लाइव में कमेंट पढ़े, सारे पॉजिटिव थे, लाइव शानदार लाइक भी आए और वायरल भी हुआ और लोगों के काफी कमेंट अच्छे थे। तो इसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। पहले तो ये
ममता जी के ऊपर अटैक करवाया और उनको पाबंद करवाया कि भाई आगे से आप तग्गू जी के लड़ाई में ऐड नहीं होंगे, यदि हुए तो फिर पोकर जी वाले हाल होंगे। तो बहुत गलत है। आज हर आदमी को आज़ादी है कि भाई एक दूसरे से बोल सकते हो, कर सकते हो, तो गलत मैं कहाँ हुआ? मैंने तो किसी को मना नहीं किया। आज तक कोई माइक लाकर आके सामने बता दे कि भाई तग्गू जी ने मना किया, फिर पहले तो मना किया कि भाई उनके साथ ऐड नहीं होगी। फिर इन्होंने क्या किया घमोड़ी ने कि ड्रामा रसा, क्योंकि चालाक तो ही लोमड़ी चालाक होती है ना, वो सबके सामने आईने में दिख जाती। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोला। फिर इसने क्या किया कि बैठे बैठे ड्रामा बनाया और एक वीडियो बनाया, क्योंकि इसकी व्यू गिर गए थे। इसने वीडियो बनाया कि मेरे ससुराल से फोन आया और मुझे कहा कि समझौता कर लो और आप आ जाओ, और फिर पति की बदनामी शुरू, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, और मैं आपके सामने बात शेयर कर रही हूँ। हद हो गई यार, मतलब वीडियो का कंटेंट लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ससुराल की बात शेयर कर रही है या पति की बदनामी शेयर कर रही है। तो सीधा ही कह देती मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा, बात को घुमा फिरा के क्यों डाल रही है कि मेरे ससुराल से फोन आया। मैं रियलिटी कह देता हूँ, मेरे घर से किसी का फोन नहीं आया, किसी ने फोन नहीं किया था, ठीक है। इसको मिर्ची लगी थी ममता जी की लाइव से, और उस लाइव का रिएक्शन देने के लिए इसने ड्रामा रचा कि ससुराल से फोन आया, फिर फ्रेंड वो फलाना ढींगा। पर मजे की बात देखो दोस्तों कि इसने लाइव किया, लाइव क्या वीडियो बनाया, और वीडियो के ऊपर जो मेरे लाइव में गलत कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो के ऊपर गलत कमेंट करते हैं, तो आज मैं उनकी पूरी पूरी लिस्ट बताऊंगा कौन कौन लोग हैं और कहां से आ रहे हैं, उनका क्या धंधा है। मैंने उनके सारे डाटा निकाल दिए। तो दोस्तों मैंने भी सोशल मीडिया पूरा खंगाला, उस घमोड़ी के लाइव वीडियो पे गया, वहां कमेंट देखे, उनका स्क्रीनशॉट लिया, आपके सामने पेश है। तो उनके अंदर 20-25 महिलाएं और पुरुष थे जिन्होंने इतने घटिया घटिया कमेंट किए और इतने नेगेटिव कमेंट किए, मतलब एक परिवार को तोड़ने के लिए कैसे कमेंट करते, अपना दुश्मन होता है और वो दुश्मनी कैसे निकाले, तो उस हिसाब के कमेंट किए। तो मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक इंस्टाग्राम पर उन नाम से आइडिया सर्च की और पूरा ट्रेस किया कि आखिर ये लोग कौन है और मेरे से क्यों दुश्मनी रखते हैं, इनको आज ट्रेस किया जाए। तो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल, ट्विटर वगैरह सब जगह ट्रेस किया। जब मुझे मालूम पड़ा कि इन लोगों में से जो 25-30 लोग थे, इन 25-30 लोगों में से कुछ तो फेक आइडिया थी, 5-7 तो जो घमड़ी खुद की थी, और बाकी 80% लोग, मतलब 80% महिलाएं ऐसी थी जिनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब के चैनल थे और उस पर यही वीडियो थे जो घमोड़ी डालती है, मेरा पति मुझे मारता है, मेरा पति मुझे बदनाम करता है, मेरा पति मुझे परेशान करता है, और मैं भटक रही हूँ, दर दर भटक रही हूँ, ठोकरे खा रही हूँ। मतलब पीड़ित पत्नियां थी 70% जो ये गलत कमेंट करने वाली है, ये पीड़ित पत्नियां निकली। इनके मैंने सारे डाटा खंगाले, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सारे डाटा खंगाले, तो उनके मैं नाम भी आपके स्क्रीनशॉट में या डेस्कटॉप पर डाल रहा हूँ, आप बिल्कुल आराम से देख लेना और आप भी सर्च कर लेना, नो प्रॉब्लम। तो इनके सारे जो घमुड़ी के अंत भक्त है ना, उनकी आज मैंने पूरी रिसर्च किया सोशल मीडिया पे, तो 70% महिलाएं ऐसी निकली जो पीड़ित पत्नियां थी और अपने पतियों को, अपने ससुराल को छोड़ के अफेयर के चक्कर में भागकर आई हुई महिलाएं निकली, जिनके स्क्रीनशॉट डेस्कटॉप पर मौजूद है, आप देख सकते हो। और आपको पता करना है तो आप बिल्कुल रिसर्च कर सकते हो। मैंने तो सारा खंगा लिया इनकी डाटा,
बिल्कुल घमोड़ी से भी 100 गुना आगे, मतलब बदनाम हुई हुई महिलाएं थी। और रही बात कि घमोड़ी के ऐसे अंधभक्त जो अपने पति परिवार को छोड़ के आई हुई महिलाएं, वो इसको सपोर्ट करी, और वो इस इन महिलाओं के और इन ऐसे लोगों के कमेंट पढ़ के घमोड़ी अपना परिवार चलाना चाहती है। क्या चल सकता है दोस्तों? कभी नहीं चल सकता है। तो ये ड्रामेबाजी बंद करो। और यदि तू इतनी, मैं तो घमोड़ी से एक सवाल करता हूं कि भाई तू कहती है कि मैं सोशल मीडिया पर रियलिटी बात रखती हूं और जो भी मेरे मन में आती है वो मैं आपके सामने शेयर कर देती हूं, तो मुझे ये बता कि जब पति की बात तेरे वो मन में आती है तू शेयर कर देती है? दोस्तों आप सभी सुनना, पति की बात तेरे मन में आती है तू शेयर कर देती है और लोगों से व्यू और कमेंट लेती है, फॉलोअर्स लेती है, डॉलर भी कमाती है, और जब तेरे भाई और भाभी का जो पोर्न वीडियो वायरल हुआ था वो तेने पब्लिक के सामने शेयर क्यों नहीं किया? वो पोर्न वीडियो झूठा था या सही था, कैसा था कैसा नहीं था? वो तेरे जो भाई और भाभी का पोर्न वीडियो वायरल हुआ था वो तेने शेयर क्यों नहीं किया? मुझे ये बता, तेरा पति नजदीक है या तेरे भाई भाभी नजदीक है? इस सवाल का मुझे रिएक्शन में वीडियो चाहिए। और उसके जो अंधभक्त है जो अपने पति और ससुराल को छोड़ के आई हुई है, तो उनसे भी मेरा ये जवाब चाहिए। और कुछ बातें अभी मेरे वीडियो के अंदर रह गई है, तो वो वीडियो मैं आगे वाले नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो कल आएगा मेरा व्लॉग, उसमें मैं बताऊंगा आपको। अब मैं झुकने वाला नहीं हूं, सच्चाई सामने लाके ही रहूंगा, भले लोगों को पकड़ पकड़ के घर पे लेके चले जाए, लेकिन पब्लिक है, नहीं रुकेगी, नहीं झुकेगी और डरने वाली है नहीं। हाँ, एक दो महिलाओं को, एक दो पुरुषों को रोक सकती है, पूरी पब्लिक को नहीं रोक सकती है। रोक ले, कितने को रोकेगी तू? जितनों को रोकेगी उतने लोग मेरे जुड़ते जाएंगे, मैं ये क्लियर आज कह देता हूं। और तू दल दल में जा रही है, नहीं तो अभी समय है, समय रहते हुए जो तेरे को लोग कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। तेरा कौन दुश्मन है तू पहचान ही नहीं पा रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें रह गई है वो बताएंगे। तो जो मेरे बहन है वो लाइक करके जाना, बाकी आपकी मर्जी, लाइक करके जाना और अच्छी बात लगी है वो बात कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है दोस्तों? और बेसंकोच रहो, तगु भाई आपके साथ है, किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, या कोई घमोड़ी का राज नहीं है, या कांग्रेस सरकार का राज है। ये रोते रहेंगे फिरते रहेंगे, घर घर जाने दो, और जिसको फेमस होना है, वायरल होना है, वो तगु राज तने के पास आ जाइए सोशल मीडिया पर, 1 घंटे में वायरल कर दूंगा जैसे ममता को किया है। आज सोशल मीडिया के अंदर ममता का नाम चल रहा है, ढूंढ रहे हैं लोग कौन है ममता के। तो दोस्तों थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो की इंतजार करिए, कुछ बातें रह गई वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अपन।